सभी क्लास सिक्स में हिंदी में अध्याय दो प्रकृति की देन पढ़ने जा रहे हैं, जिसके लेखक काका साहब कालेलकर जी हैं। इनका जन्म 1885 ईस्वी में महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुआ था। इनका पूरा नाम दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर जी था। इनको हिंदी, गुजराती, बांग्ला, अंग्रेजी भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। इनको भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान प्राप्त था और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति द्वारा इनको गांधी पुरस्कार दिया गया था। जीवन साहित्य, जीवन लीला, यात्रा, लोकमाता आदि इनकी रचनाएं हैं। इनकी मृत्यु 1981 ईस्वी में हो गई थी। अब देखते हैं अपने अध्याय के बारे में, जहाँ देखने से पता चल रहा है प्रकृति की देन, यानी हमें प्रकृति से क्या प्राप्त हुआ है उसके बारे में बताया जा रहा है। लेखक देखिए इसमें क्या कहा है। लेखक ने प्रकृति और मनुष्य के अटूट संबंधों का वर्णन किया, यानी मनुष्य और प्रकृति में जो संबंध होता है उसका वर्णन किया है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह जन्म लेता है तो वह अपने आप को एक विशेष आवरण से घिरा पाता है। यह जो आवरण होता है, उसके जो चारों तरफ होता है, यह क्या होता है? यह प्रकृति होता है। हम सभी प्रकृति के सानिध्य से, यह जो आवरण होता है, यह प्रकृति के सानिध्य से बनता है, यानी प्रकृति के निकटता से बनता है। प्रकृति में आए परिवर्तनों को देखकर घबराना नहीं चाहिए। लेखक कहता है कि हम प्रकृति के सानिध्य में रहते हैं, उसके निकटता में रहते हैं, इसलिए हमें प्रकृति में आए परिवर्तनों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसका आनंद लेना चाहिए। यही हमारे जीवन की सच्ची साधना है, क्योंकि प्रकृति और मनुष्य का दोनों का अटूट संबंध है। अगर दोनों में भी एक दूसरे से दूसरे को तिरस्कार करते हैं तो दोनों का जीवन संभव नहीं है। दोनों के जीवन को संभव करने के लिए दोनों को आपस में मेलजोल रखना जरूरी है। अगर हम कई जगह जाते हैं तो हर जगह का हमें वातावरण अलग अलग दिखता है। इसमें भी जो लेखक हैं वह अपने आप को एकदम प्रकृति के निकट पाते, उन्हें यह जो दिखावा संसार है वो कहते हैं कि जो एक दो पेड़ पौधे लगा देते हैं लोग, उसको कहते हैं प्रकृति है, तो यह प्रकृति नहीं है। प्रकृति यानी नेचर, उसके अगर बारे में जानना है तो वहाँ जाइए जहाँ यह सब कुछ है, जहाँ हमें पेड़ पौधे, जीव जंतु सब कुछ दिखते हैं, तभी हमें उसके निकटता का अनुभव होगा और उसको देखकर हमें पता चलेगा कि हम क्या चीज़ खो रहे हैं अपने जीवन में। तो उन्होंने कहा है कि प्रकृति और प्रकृति का अटूट संबंध है, इसको घबराना नहीं चाहिए, इसको देखकर इसके परिवर्तनों को, बल्कि इसका आनंद लेना चाहिए। आप इस चैप्टर को पढ़िएगा तो आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप सभी इसके एक्सरसाइज को फिल कर लीजिएगा खुद से। दिख रहा है आप सबको एक्सरसाइज? एक्सरसाइज को फिल कर लीजिएगा, और एक्सरसाइज करने के पहले आप सभी शब्दार्थ कर लीजिएगा, जैसे शब्दार्थ किया जाता है कॉपी में। पहले एक तरफ आप शब्द लिख लीजिएगा और दूसरी तरफ अर्थ लिख के आप सभी शब्दार्थ कर लीजिएगा, क्योंकि आप यह चैप्टर पढ़ रहे हैं प्रकृति की देन, यानी प्रकृति के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आप सभी पहले इसका फिगर बनाइएगा, फिर शब्दार्थ लिखिएगा, फिर इसके अभ्यास प्रश्नों को करिएगा। ठीक है, धन्यवाद। अब अगले वीडियो में अगला चैप्टर।